सारे गामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और हमारा इस हफ्ते का जो ये एपिसोड है ये जरा जज्बाती गानों से भरा हुआ है। कुछ ऐसे गाने जो हमारे मन के उस कोने पे चोट पहुंचाते हैं जहां पे अक्सर हम आंसुओं को छुपा के रखते हैं। कुछ बड़े अनोखे किस्से भी आपके साथ बांटूंगा, जैसे कि भाई संजीव कुमार साहब ने शादी क्यों नहीं की। रोमांस तो हुआ, लड़कियां भी जीवन में आई, पर एक बड़ी अनोखी बात थी जिसकी वजह से ये कभी शादी करना ही नहीं चाहते। क्या बात थी वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारी जिंदगी का अधूरापन है, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जो साथी छूट गया वही तो याद आता है ना, और जुदाई के कुछ लम्हे हैं जो इस गाने के जरिए हमारे सामने आएंगे। इस गाने को जरा सुनते हैं, यह जुदाई वाकई बहुत लंबी है। सुनिए इसे सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।
कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा तन्हा तन्हा छोड़ा। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा तन्हा तन्हा छोड़ा। रहना है तेरे दिल में फिल्म का ये गाना आपने सुना सारेगामा वीकेंड क्लासिक पे, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और अभी जरा ले चलता हूँ आपको उस दौर में जहां पर ये बात सामने आती है कि संजीव कुमार साहब, महान अभिनेता संजीव कुमार ने कभी शादी क्यों नहीं की। ये बात बड़ी अनोखी है। देखिए क्या है, इनके जीवन में रोमांस तो आया और लग रहा था कि भाई इस बार प्यार हुआ, इस बार शादी भी हो जाएगी, लेकिन एक बात संजीव कुमार को हमेशा रोक लेती थी,
कि ये शादी नहीं कर पाते। बात दरअसल ये रही कि संजीव कुमार साहब को ये लगता था कि इनके परिवार में कोई भी पुरुष 50 साल की उम्र तक पहुंचा नहीं, 50 साल से ऊपर कोई जिया ही नहीं। और अपने दोस्तों से ये बात बांटते भी थे कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी जब वो 50 साल के थे और उसके आगे कोई और पुरुष जा नहीं पाया। और वाकई ये हुआ भी, संजीव कुमार साहब खुद भी 50 की उम्र तक नहीं पहुँच पाए थे। और ये बात इन्हें बहुत सताती थी, ये सोचते थे कि क्यों किसी और की ज़िंदगी को मैं ख़राब करूँ। और हैरानी इस बात की होती है कि संजीव कुमार साहब के भाई भी 50 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही इस दुनिया को वो अलविदा कह गए। ऐसे डर रहते हैं इंसान के मन में, और संजीव कुमार साहब के मन में भी ये डर रहा, जिसकी वजह से वो ज़रा शादी से दूर ही रहे। है ये बड़ी जज्बाती बात, ये आज अभी आपके साथ बांटी है। और अभी संजीव कुमार साहब की फिल्म से ये गाना मैं चाहता हूँ कि इसे हम सुने, फिल्म आंधी से ये गाना सारे गामा वीकेंड क्लासिक पे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी
दर्द को रोक लो, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई छितवा तो नहीं, छितवा नहीं, छितवा नहीं, छितवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं।
लेकिन फिल्म से गाना सुना सारेगामा वीकेंड क्लासिक पे गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और ये हमारा जो आज का एपिसोड है जज्बाती गानों से भरा है, हमारे मन के उस कोने तक पहुंच रहा है जहां पे हमने बहुत दर्द छुपा के रखा है। एक बड़ी अनोखी फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर। वो फिल्म क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे एक बड़ी गहरी वजह रही। देखिए क्या है, जो भी इंसान प्यार करता है और उसका दिल टूटता है तो वो कहीं ना कहीं देवदास के चरित्र से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, और देवदास तो कई बार बनी, गुजरे वक्त में भी बनी और आज के दौर में भी कई इसके वर्जन्स हमारे सामने आए। तो प्रकाश मेहरा साहब ने सोचा कि कोई भी गहरी रोमांटिक स्टोरी बनी नहीं है और अमिताभ बच्चन जो हैं वो बतौर एंग्री यंग मैन लेबल हो चुके हैं, तो इन्होंने सोचा कि देवदास और संगम इन दोनों को मिला के एक फिल्म बनाई जाए जहाँ पे हीरो जिस हीरोइन से प्यार करता है वो उसे मिलती नहीं, वो किसी और की हो जाती है, और जिस हीरोइन का सहारा उसे मिलता है वो सहारा भी इससे छूटता है। देवदास के साथ भी यही हुआ था, पारो चली गई थी और चंद्रमुखी का सहारा भी जो है पूरा नहीं पड़ा था। फिर मुकद्दर का सिकंदर में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, राखी जी की मोहब्बत कोई और रेखा जो है वो भी सिकंदर को मिलती नहीं, है ना, ये फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में हुआ था, और वहीं से प्रेरणा लेकर प्रकाश मेहरा साहब ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर बनाई। ये बड़ी अनोखी बात है, ऐसी और भी बड़ी अनोखी दास्तानें आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे। जैसे कि भाई अशोक कुमार साहब ने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया, जबकि एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी दादा मुनि के लिए, पर उस पार्टी के बाद अशोक कुमार ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया था वो कहानी आपके साथ बांटूंगा, लेकिन अभी मुकद्दर का सिकंदर से वो साथ ही रहे सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना,
सारेगामा वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे और आप अपने ईमेल आईडीज हमसे शेयर करें ताकि ये वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें और पुराने गाने सुनते रहें। डू सब्सक्राइब सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग।
किस्से कुछ गाने चल रहे हैं बड़े ही जज्बाती अंदाज में सारे गामा वीकेंड क्लासिक पर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और अभी आपको ले चलता हूं उस जमाने में जहां पर एक बड़ी जबरदस्त पार्टी का आयोजन हुआ, ऑर्गेनाइज की गई ये पार्टी, और अशोक कुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा था। अशोक कुमार यानी कि हमारे दादा मुनि साहब को बताया नहीं गया था ये पार्टी रखी जा रही है। उनके छोटे भाई किशोर कुमार ने ये पार्टी रखी थी और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज कलाकारों को बुलाया था। सोचा था कि ये सरप्राइज़ दिया जाएगा अशोक कुमार को और वो आएंगे और उनको उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ये वो तारीख भी निकली, वो दिन भी निकला जब किशोर कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बहुत कहा गया कि डॉक्टर को बुलाया जाए, लेकिन किशोरदा ने कहा कि अगर डॉक्टर आएगा तो सचमुच इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए डॉक्टर को ज़रा दूर रखा जाए। तबीयत बिगड़ती रही और धीरे धीरे मेहमान आ रहे थे, अशोक कुमार साहब को भी वहाँ पहुँचना था, और ख़बर ये आई कि किशोर कुमार ये दुनिया छोड़ चल बसे। 13 अक्टूबर 1987 ये आखिरी बार था जब दादा मुनि अपनी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हुए थे, और उनका छोटा भाई ये दुनिया छोड़ चला गया। उसके बाद कभी फिर अशोक कुमार साहब ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। बड़ी अजब दास्तानें हैं, किस्मत का ये अजब खेल है। ऐसी और भी बड़ी अनोखी दास्तानें आज आपके साथ ज़रूर बांटी जाएंगी, लेकिन उससे पहले मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। कल्याण जी आनंद जी ने इसकी धुन बनाई फिल्म कोरा कागज़ से। इस गाने को ज़रा सुनते हैं सारे गामा वीकेंड क्लासिक पर। छुपा रखा है तेरा ही दर्द, छुपा रखा है। तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है।
जिंदगी ये मेरी अमानत है तेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी इबादत है मेरी। तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, प्यार का नाम खुदा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो आप सुन रहे हैं सारेगामा वीकेंड क्लासिक गौरव श्रीवास्तव के साथ, और कुछ बड़े अनोखे किस्से, कुछ बेहतरीन गाने आपको सुना रहा हूं। देखिए क्या हुआ, एक बड़े ज़बरदस्त संगीतकार, अब यह किस्मत का खेल है और कुछ नहीं, यह एक ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने संगीत की दुनिया को पूरी तरह से पलट के रख दिया था। ऐसी धुनें बनाते थे कि बड़े बड़े सुपरस्टार सोचते कि इसका म्यूज़िक मिले तो मज़ा आएगा। लेकिन वो वक्त भी आया जब इस संगीतकार की एक के बाद एक 26 फिल्में फ्लॉप हो गई। जमाने ने कहा कि इसमें अब दम नहीं रहा और फिल्में फ्लॉप हुई तो बस ये कहा गया कि अब इससे संगीत नहीं लिया जाएगा। कुछ फिल्मों से इन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया। बहुत बड़ा नाम और अजीब अकेलेपन में जी रहा था। बड़ी मुश्किल से एक फिल्म इन्हें मिली और अपने तमाम साजिंदों को इन्होंने दूर दूर से बुलाया कि भाई आ जाओ। कुछ कलकत्ते में काम कर रहे थे, कुछ मुंबई के अलग अलग कोनों में काम कर रहे थे, उन सबको बुलाया, आ जाओ फिल्म मिल गई है, संगीत बनाते हैं। संगीत बनाया, ज़बरदस्त गाने बनाए, लेकिन इससे पहले वो गाने पब्लिक तक पहुँचते ये संगीतकार ये दुनिया छोड़ चला गया। जब लग रहा था कि ये वापस आ गया है,
उसी लम्हा ये सबसे दूर चला गया। ये कोई और नहीं, ये रहे पंचम दा, आर डी बर्मन और फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। पंचम दा इस दुनिया को छोड़ चले गए और कुछ वक्त के लिए संगीत की दुनिया खामोश हो गई, पर आज भी जब भी उनके गाने सुनते हैं तो लगता है पंचम दा यहीं कहीं है, हमारे साथ है। एक ऐसा ही गाना फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से मैं चाहता हूँ हम सुने। कुछ ज़्यादा कहने को रह नहीं गया है, बस सुन सकते हैं इस धुन को सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना एक कटी पतंग है।
So, कैसा लगता है आपको हमारा ये सारेगामा वीकेंड क्लासिक, ये आप हमें जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो आपको ईमेल करें तो अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स वीकेंड क्लासिक पर। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।